वो टीवी है ये ऑन हो चुका है यहाँ पर, तो ये टीवी ऑन है और यहाँ नो सिग्नल, ये जो सेटअप बॉक्स है तो मैं यहाँ पर स्विच ऑन कर दूंगा। और ये देखें सेटअप बॉक्स ऑन हो चुका है। ऑन होने के बाद इसका देखें कि ये रामसंग HD पिक्चर क्वालिटी और ये ऑन हो चुका है। और ये देखें यही समस्या हो रही है कि खिचखच खिचखच जो भी पिक्चर ऑन होने के बाद ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसी को मैं सॉल्व करूंगा। ये देखें ये आ रहा है और बिल्कुल ही खिचखिच हो रहा है, ये देख सकते हैं पिक्चर, तो ये प्रॉब्लम हो जाता है, इसे सॉल्व करेंगे हम इस वीडियो में। आपका स्वागत है बर्मा टेक्निकल चैनल में। ये जो आप वीडियो देख रहे हैं इसमें मैं एक सेटअप बॉक्स, जो फ्री वाला जो सेटअप बॉक्स आता है जहाँ पर बहुत सारे फ्री को जो चैनल देखने को मिल जाता है, तो उसका ये सेटअप बॉक्स है। ये रामसन कंपनी का एक सेटअप बॉक्स है और ये भी आप देख रहे हैं इधर भी रामसन का एक सेटअप, वाइट और रेड जो है इसका जैक है। इस तरह से जब हम इसमें इसे कनेक्ट करते हैं और इसे टीवी में भी कनेक्ट करते हैं, तो मेनली रूप से ये जो देख रहे हैं ये ख़राब हो चुका था, तो इसे मैं रिपेयर करके बनाया हूँ। एक वीडियो में बना दूंगा जिसमें ये आप देखेंगे कि कैसे इसे मैं रिपेयर करके और दूसरे वायर को चेंज करके इसे सही से सही कर लेता हूँ और जिससे ये वर्क करता है। यहाँ देख रहे हैं कि ये सेटअप बॉक्स आपका जो है इसमें ये यहाँ जो वीडियो और ऑडियो देख रहे हैं तो इन दोनों में एक एक यूज होता है। छोटे टीवी में सिर्फ एक ही ऑडियो का यूज किया जाता है, बड़े वाले टीवी में आपको लेफ्ट राइट दोनों के लिए यूज किया जाता है। इसमें मैं एक यहाँ से कनेक्शन निकाल करके रखा हूँ, ये जो एक पॉजिटिव के लिए है, जहाँ से अलग से मैं इसमें एक LED लाइट को कनेक्ट कर रखा हूँ। जब ये सेटअप बॉक्स ऑन होता है तो उसमें एक LED अलग से ग्लो करता है। ये जो आप देख रहे हैं एक जैक है, तो यहाँ मैं जैक का यूज इसलिए किया हूँ क्योंकि अलग से हमें जब कोई भी एम्पलीफायर बजाने का होता है तो मैं इससे एक जैक लगा करके बजा लेता हूँ। यहाँ टीवी जो ऑपरेट रहता है तो फिर ये जो सिर्फ राइट वाला बजता है, तो यहाँ लेफ्ट राइट और लेफ्ट दोनों का कनेक्शन इसमें कर रखा हूँ। उसके बाद इसका ग्राउंड से भी कनेक्शन है। यहाँ आपको LNB इन करना है, एक LNB आउट। आपको एक ही LNB का जो छतरी होता है उस LNB छतरी से आप एक ही एक सेटअप बॉक्स भी चला सकते हैं और दूसरा सेटअप बॉक्स भी यहां से कनेक्ट करके अलग चला सकते हैं। यहां आपको लेफ्ट राइट कनेक्टर देखने को मिल जाएगा, साथ में एक वीडियो का है, एक RF का है। यहां जो है एक लेफ्ट और राइट स्पीकर का कनेक्शन मिल जाएगा। बहुत सारे सेटअप बॉक्स में ऐसा ही मिलेगा, बट उसका कनेक्शन जो है लेफ्ट राइट से नहीं किया हुआ रहता है, कोई भी एक लेफ्ट से कनेक्शन करके दे दिया जाता है, बट मैं इसमें कनेक्शन कर रखा हूँ, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर आपको इसमें इनपुट 220 वोल्ट देने को रहता है, वो सप्लाई यहाँ से आप दे सकते हैं। आगे का जो फीचर है यहाँ पर आपको पावर ऑन ऑफ का है। यहाँ जो देख रहे हैं MPEG-2 का है, ये रामसन सेटअप बॉक्स है। यहाँ IR यहाँ इंडिकेट करता है आपका, यहाँ पर रिमोट कंट्रोल का है। यहाँ वॉल्यूम का देख रहे हैं, यहाँ मेन्यू का है, यहाँ वॉल्यूम का है जहाँ से आप प्लस और माइनस कर सकते हैं। इसके साथ एक रिमोट भी मिल जाएगा। ये जो वॉल्यूम आप देख रहे हैं इससे आप ये जो सॉकेट यहाँ दिया हुआ है जहाँ अलग से स्पीकर लगा करके आप बजा सकते हैं, उसका वॉल्यूम को आप कम तेज कर सकते हैं। यहाँ आपका बेस का है, यहाँ आपका ट्रैवल का है। यहाँ चैनल को आप माइनस में कर सकते हैं, यहाँ प्लस में कर सकते हैं, ये आप ओके कर सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ दिया हुआ है, जहाँ आपका रिमोट वर्क नहीं करे तो आप इन सभी का यूज कर सकते हैं। यहाँ आपको बहुत सारे HD क्वालिटी का पिक्चर देखने को मिल जाएगा डायरेक्ट टू होम में। यहाँ आपको इसके साथ 14 FM चैनल भी साथ में मिल जाता है इस सेटअप बॉक्स में, बहुत सारे चैनल भी। तो ये रामसन कंपनी का सेटअप बॉक्स है। यहीं इसके साथ भी एक और सेटअप बॉक्स आपको यहाँ देखने को मिलेगा जो भी सेम कंपनी का है। इसके साथ ये देखिए ये जो जैक है ये बिल्कुल ही सही है, ये अलग से टीवी में यूज किया जा रहा है, ये बिल्कुल ही परफेक्ट है। कुछ प्रॉब्लम जो हो जाते हैं ये भी सेम टू सेम आपको यहाँ देखने को, लेफ्ट एक राइट के लिए, यहाँ LNB इन LNB आउट के लिए, यहाँ RF है, यहाँ पर स्पीकर के लिए है, फिर यहाँ पर आप इनपुट कर सकते हैं 220 वोल्ट। सामने का जो आप देखेंगे वहाँ पर भी आपको पावर देखने को मिल जाता है। और MPEG-2 का ये सेटअप बॉक्स है हाई डिजिटल टेक्नोलॉजी में। यहाँ वॉल्यूम और वॉल्यूम को कम या तेज कर सकते हैं, मेन्यू है, यहाँ पर वॉल्यूम अलग से कनेक्ट करेंगे। यहाँ बास और ट्रेवल का और ये चैनल का ये देखने को मिल जाएगा। इसके साथ भी आपको काफ़ी सारे सेटअप बॉक्स के जो भी फीचर है वो भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ भी आपको बहुत सारे HD पिक्चर देखने को मिलेगा, साथ में 14 चैनल आपको FM का इसमें भी मिल जाता है। ये इसको खोल करके आपको दिखाता हूँ।
यहाँ आप देखेंगे क्या इस तरह से, ये देखें ये सेटअप को भी मैं खोल रखा हूँ और ये वाला भी सेटअप बॉक्स जो है उसे भी मैं यहाँ से खोल रखा हूँ। तो इसमें जो आप देखने को मिलेगा क्या, यहाँ देख सकते हैं काफी फीचर यहाँ देखने को आपको मिल जाता है इसके इन साइड में, ये देख सकते हैं। और ये जो सेटअप बॉक्स है तो इसे भी मैं आपको खोल करके दिखाऊंगा। यहाँ आप देख पाएंगे क्या, ये जो देख रहे हैं सेटअप बॉक्स में, यहाँ आपको एक पावर कार्ड मिल जाएगा देखने को। ये जो आपका पावर सप्लाई जो आउटपुट देता है उसके लिए लगाया जाता है, जहाँ इसी आप इनपुट देंगे और ये डीसी करंट को आउटपुट देता है, जहाँ 24 वोल्ट, 12 वोल्ट और 3 वोल्ट और 5 वोल्ट का पावर ये इनपुट कराता है। यहीं आपको एक इस साइड में कार्ड देखने को मिल जाएगा जो आपका फ्रीक्वेंसी बनाता है, जहाँ से आप LNV कनेक्ट करते हैं, फिर आप TV में वीडियो और ऑडियो का कनेक्ट यहाँ से करते हैं। ये जो आप PCB बोर्ड देख रहे हैं, ये PCB बोर्ड एक अलग से दो स्पीकर को आपको बजाने के लिए दिया जाता है, जिसमें 6283 IC का यूज किया हुआ रहता है, इसे सब देखने को मिल जाएगा। इसके साथ यहाँ आपको कुछ फीचर आगे में रहता है, जो आप ऑन करेंगे तो यहाँ पर वर्क करता है। ये इसका कनेक्शन दिया हुआ है, बाकी सारा डिटेल दिया हुआ रहता है। यही सेम टू सेम आपको इसमें भी देखने को मिल जाता है कि यहाँ पर एक पावर कार्ड लगा हुआ है, यहाँ एक PCB बोर्ड है, जहाँ इसमें आपको LNV का टोटल डिफरेंस यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ये एक PCB बोर्ड है जहाँ 6283 IC का यूज किया रहता है, जो आपको इससे दो स्पीकर को बजाया जाता है। अब मैं इसका कनेक्शन को दिखाता हूँ। अब यहाँ पर आप देखेंगे क्या, ध्यान से देखेंगे, ये जो आप PCB बोर्ड देख रहे हैं तो इसका कनेक्शन जो है वो बारीकी से किया हुआ है, या एक लेफ्ट एक राइट के लिए कनेक्शन किया हुआ है। तो ये जो कनेक्शन है वो मैं अलग से किया था, यहाँ देख सकते हैं कि एक वायर को शॉर्ट करके यहाँ कनेक्शन किया गया है। तो ये कनेक्शन जो है वो न्यू सेटअप बॉक्स में आपको देखने को नहीं मिलेगा, ये 6283 IC का एक ही चैनल से दोनों को ऑपरेट किया हुआ रहता है। अब देख रहे हैं कि यहाँ फ्रीक्वेंसी का कार्ड जो है, ये फ्रीक्वेंसी का कार्ड है, जहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा क्या कि यहाँ पर बहुत सारे डस्ट अगर रहते हैं तो उससे भी आपका प्रॉब्लम होता है कि आपका फिगर जो ऑडियो का है वो सही से नहीं आना, या फिर बीच बीच में खिंच खिंच होना, तो ये प्रॉब्लम इससे भी हो सकता है। तो आप इसमें डस्ट वगैरह जाने नहीं दे, अगर है तो उसे आप क्लीन कर लें। फिर आप यहाँ पर देखेंगे क्या कि यहाँ बहुत सारे कनेक्टर यहाँ देखने को मिल जाता है। ये जो कनेक्शन आप देख रहे हैं इसे बारीकी से चेक कर लें। कभी क्या होता है कि आपका 24 वोल्ट, 12 वोल्ट या फिर 3.7 वोल्ट, इस तरह से 5 वोल्ट जो भी बना हुआ रहता है यहाँ पर, वो सही रूप से नहीं जाता है। ये वायर जो आप देख रहे हैं रिबन वायर, ये कहीं से कहीं ब्रेक हो जाता है, जिसके कारण सेंड जो है वो आउटपुट इसको नहीं मिल पाता है, जिससे भी आपका ये कार्ड जो है वो वर्क नहीं करता है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो पावर कार्ड आप देख रहे हैं, इसमें ये पावर कार्ड में क्या हुआ था कि वीडियो जब भी मैं इस सेटअप बॉक्स को ऑन करता हूँ तो उसमें क्या होता है कि पिक्चर खिंच खाच होता है, तो वहाँ पर ये जो कैपेसिटर आप देख रहे हैं ये कैपेसिटर खराब हो चुका था। अब यहाँ पर कैपेसिटर जो देख रहे हैं 16 वोल्ट 1000 UF का है, यहाँ पर आपको 16 वोल्ट और 1500 UF का भी लगा हुआ देखने को मिल जाएगा। उसमें क्या होता है कि अगर ये कैपेसिटर अगर ब्लास्ट कर गया है, फूल चुका है, तो उसे आप चेंज कर दें, उससे क्या होगा कि आपका पिक्चर क्वालिटी सही हो जाएगा और आपका जो खिंच खिंच जो होते हैं TV ऑन करने के समय वो नहीं होगा, बीच बीच में कहीं होता है, तो वो प्रॉब्लम जो है वो आपका सॉल्व हो जाता है, क्योंकि ये पावर सप्लाई को शुद्ध करता है। अगर शुद्ध रूप से करंट इस कार्ड को अगर नहीं मिले तो वो प्रॉब्लम आ जाती है। तो इस तरह से देख सकते हैं कि इसमें बारीकी से कि इतना कनेक्शन कर दिया गया है। इसी कार्ड के नीचे से मैं यहाँ पर इसमें देख सकते हैं कि इस साइड में एक जैक निकाल रखा हूँ। अब ये जैक जो है वो निकाल रखा हूँ ऑडियो के लिए, इससे कनेक्शन करके, जहाँ लेफ्ट और राइट का है यहाँ पर कनेक्शन है, तो इसके इन साइड से कनेक्शन करके निकाल रखा हूँ। तो ये सेटअप बॉक्स बिल्कुल देख सकते हैं, यहाँ पावर का है, तो ये आप पावर ऑन ऑफ इसमें दे सकते हैं और ये बिल्कुल ही परफेक्ट रूप से वर्क कर रहा है। प्रॉब्लम जो आ चुका है ये सेटअप बॉक्स में, ये सेटअप बॉक्स में होता क्या है, फिगर जो है वो कभी कभी रह रह के हट जाना। फिर यहाँ देख सकते हैं, अब यहाँ पर देखें, आप देख सक रहे हैं क्या कि ये जो पावर कार्ड देख रहे हैं इसमें क्या है कि ये जो आप कैपेसिटर देख रहे हैं ये देखे फूल चुका है। तो ये जो कैपेसिटर है यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो 16 वोल्ट 1500 UF का कैपेसिटर है, यहाँ आपको करना क्या होगा, इस कैपेसिटर को चेंज कर देना होगा।
अगर फिगर बीच बीच में रह करके झिलमिलाने लगता है या फिर खिचखिच होने लगता है तो उसमें ये कैपेसिटर को आप चेंज कर दें, क्योंकि ये कैपेसिटर जो है वो फूल चुका है। कभी कभी होता क्या है कि ज़्यादा वोल्टेज मिलने के बाद हल्का फूलता है तो उससे आपको दिक्कत नहीं होगा, बल्कि अगर ये ब्लास्ट भी कर जाता है, ये सिचुएशन होता क्या है कि आपका पावर कार्ड ज़्यादा वोल्टेज देने लगता है, जिससे ये क्या होता है कि वो उसे कंट्रोल नहीं करता है, जिससे ये फूल जाता है, तो ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये देख सकते हैं कि इसे अगर आप चेंज भी कर दें तो बिल्कुल सही हो जाएगा। और यहाँ पावर जो है वो भी देख लें, अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ये कार्ड, तो ये कार्ड में देख सकते हैं कि बहुत सारे डस्ट जो है वो लग चुका है, ये देखें बिल्कुल ही डस्ट जो है इसमें गया हुआ है, जिससे आपका ये भी प्रॉब्लम होता है ये डस्ट के कारण। तो मैं सबसे पहले इस डस्ट को साफ कर लेता हूँ, यहाँ देखें इसे साफ करना है आपको। मीटर बॉक्स में अगर इस तरह से डस्ट अगर गया हो तो उसे आप क्लीन कर लें, क्योंकि ये डस्ट जाने से ही ये आईसी जो आपका माइक्रो आईसी लगा हुआ जो है ये बिल्कुल ही सही से वर्क नहीं करता है, या फिर इसके पावर यहाँ जो देख रहे हैं वायर लगा हुआ है ये सही से वोल्टेज नहीं बनाता है, तो ये प्रॉब्लम होती है इससे। तो इसे आपको बिल्कुल ही क्लीन करके रखना है, तो मैं सबसे पहले इसे बिल्कुल ही क्लीन कर लूँगा, ये देखें जितने भी डस्ट हैं, तो इन सारे डस्ट को हटा लेना है। जब भी आप सेट टॉप बॉक्स का यूज करें तो कोई हल्के कपड़े का क्या करें कि इसके ऊपर से ढक दें जो बहुत ही जालीदार रहे, जिससे क्या हो कि डस्ट सिर्फ इसके अंदर इन ना हो, इसके अंदर डस्ट जाने से भी ये प्रॉब्लम होती है। तो इस तरह से आप इसे क्लीन रखें, और मैं बिल्कुल ही क्लीन कर दूंगा इसे। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये जैक को निकाल देखा हूँ, ये देखें कि यहाँ पर 5 वोल्ट भी आपको यहाँ से आउटपुट निकल रहा है, इसके साथ एक ग्राउंड भी है, फिर आप देखेंगे क्या 24 वोल्ट है, फिर 12 वोल्ट है, फिर ग्राउंड है, तो इस तरह से 12 वोल्ट और 24 वोल्ट भी इसको जरूरत पड़ती है, फिर यहाँ 3.3 वोल्ट की आवश्यकता भी है। तो इस तरह से इतने पावर जो है ये पावर किट आपको बनाता है, और वही पावर किट जो है वो इस कार्ड को मिलता है। अब यहाँ जो आप देख रहे हैं एलएनबी में जाने का पावर, ये एलएनबी में जो पावर जाता है वो करीब 24 वोल्ट का पावर इसमें आउटपुट होता है, जिससे आपका एलएनबी जो है वो हॉरिजेंटल और वर्टिकल ऑपरेट करता है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 3.3 वोल्ट और 12 वोल्ट जो है और 5 वोल्ट, तो 5 वोल्ट जो आप देख रहे हैं आगे में आपका एलईडी जो ग्लो करता है, जहाँ पर आपका एक नंबर दो नंबर जो देखते हैं सर्च करते हैं, वो उसके लिए हो जाता है 5 वोल्ट का पावर। यहाँ कुछ यहाँ देखने को मिलेगा कुछ आईसी से आपका वीडियो बनाना, फिर ऑडियो बनाना, तो उन सभी में भी 12 वोल्ट और 3.3 वोल्ट की आवश्यकता पड़ जाती है। तो यहाँ कनेक्शन आप देख सकते हैं। अब यहाँ से आप पावर भी चेक कर सकते हैं कि फोन आपका इसमें ग्राउंड है, तो यहाँ देख रहे हैं कि ब्लैक वाला जो है वो आपका 3.3 वोल्ट है, ये जो आप देख रहे हैं ये एक कलर है, जहाँ पर ये ग्रीन देख रहे हैं तो इस कलर में आपको ग्राउंड देखने को मिलेगा, रेड में आपको 12 वोल्ट, ऑरेंज में आपको 24 वोल्ट, येलो ग्राउंड हो जाता है, फिर ग्रीन जो है वो 5 वोल्ट हो जाता है। तो इस तरह से ये जैक को मैं लगा करके इसके करंट को भी चेक कर लूँगा कि अगर करंट अगर यहाँ जितना दे रहा है उतना ही करंट क्या इसमें भी मिल रहा है, तो ये करंट अगर सही रूप से यहाँ ना मिले तो वो प्रॉब्लम इस वायर का हो सके। इसमें मैं पावर यहाँ पर ऑन कर दिया हूँ, और ये देखें इसमें पावर ऑन हो चुका है, इसमें पावर आ रहा है। तो अब मैं यहाँ पर सबसे पहले इसके पावर को चेक कर लेता हूँ। पावर को आप इस तरह से चेक करेंगे इस मल्टीमीटर में, ब्लैक प्रोब को कहीं भी कनेक्ट कर दें नेगेटिव से, और यहाँ पर मैं चेक करूँगा, तो यहाँ देखें आपका जहाँ 3.3 वोल्ट बताएगा ये देखें बिल्कुल ही सही है, 3.6 वोल्ट, फिर आपका ग्राउंड हो जाता है, फिर यहाँ देखेंगे क्या कि मैं यहाँ रेड पर कनेक्ट कर रहा हूँ, रेड पर कनेक्ट करने के बाद आप देखेंगे 18 वोल्ट, जहाँ 12 वोल्ट है ये भी बिल्कुल ही सही है। इस तरह से यहाँ देखेंगे क्या ये 24 या 25 वोल्ट आपको बता रहा है, वो भी बिल्कुल सही है। पीला वायर आपका ग्राउंड है, और यहाँ जो देख रहे हैं एक ग्रीन वायर है, तो ये ग्रीन वायर आपका 5 वोल्ट, ये भी बिल्कुल ही सही है, जहाँ 3.4 वोल्ट बता रहा है। अब मैं यहाँ पर चेक कर लूँगा क्या यहाँ भी उतना ही है 3.4 वोल्ट, तो ये देख सकते हैं बिल्कुल ही सही, 3.4 वोल्ट यहाँ भी देखने को मिल जाएगा और 3.4 वोल्ट यहाँ भी देखने को मिल जाता है। तो इस तरह से ये जो वायर है वो बिल्कुल ही सटीक है, तो इसमें कहीं भी आपको कोई फॉल्ट नहीं है।
यहाँ जो वायर आप दो को देख रहे हैं ये इसके लिए है जहाँ एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है, यहाँ आपको 12 वोल्ट देखने को मिलेगा। तो ये भी देखे बिल्कुल ही सटीक है। तो इस तरह से ये कनेक्शन बिल्कुल ही अच्छी तरह से बनाया हुआ है जहाँ से ये वर्क कर रहा है। मेनली रूप से यहाँ डस्ट का प्रॉब्लम है और ये जो आप देख रहे हैं कैपेसिटर, तो इन सभी को भी आप चेंज कर सकते हैं ये कैपेसिटर को, वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो ये देखें ये जो प्रॉब्लम है ये यहाँ पर ये उड़ चुका है, तो इसे मैं यहाँ से निकाल करके हटा दूंगा। तो यहाँ से निकालना है इसे, ये पीसीबी बोर्ड को मैं खोल रखा हूँ यहाँ से। अगर ये इतना नंबर का 1500 और 16 वोल्ट अगर ना मिले तो इसके जगह पर आप 1000 और 16 वोल्ट भी लगा सकते हैं। तो ये देखें इसके जगह पर मैं ये जो है 16 वोल्ट 1500 यूएफ का, जहाँ पर 1000 यूएफ 16 वोल्ट का है, तो इसी को मैं इसके अंदर सोल्डिंग कर दूंगा। ये हमेशा देखें ये इसका माइनस है, ये उल्टा ना लगाएं नहीं तो फिर ये ब्लास्ट कर जाएगा। ये हमेशा देख लें और इसे मैं यहाँ पर सेट कर लूँगा। ये सोल्डिंग पेस्ट ज़रूर लगाएं ताकि सोल्डिंग अच्छा से हो। तो ये सोल्डिंग हो चुका है इसमें, अब बारी आया इसे टेस्टिंग का। तो चलिए इसे टेस्ट भी कर लेंगे, पहले इसे सेट कर लेता हूँ मैं यहाँ पर। और ये देखिए बिल्कुल ही सेट कर लिया हूँ यहाँ पर सारा कनेक्शन करने के बाद। और ये देखिए इसमें लाइन दे चुका हूँ, इस तरह से ये टीवी ऑन हो चुका है। यहाँ मैं पावर ऑन करूँगा और ये देखें ये ऑन हो चुका है, जहाँ ये ग्लो कर रहा है इस तरह से। और ये देखें ये आ चुका है ऑन होने के बाद, और ये देखें बिल्कुल ही सही हो चुका है। देखते हैं इसका ये रिमोट है, तो रिमोट से हम यहाँ पर चेंज भी कर सकते हैं। और ये देखें फ्री सेटअप बॉक्स बिल्कुल ही कंप्लीट हो चुका है, ये देख सकते हैं। मैं इसे सेट करूँगा यहाँ पर, तो ये देखें ये इसका कैप है, इस कैप को आप इस तरह से लगा लें। और इस तरह से इन सारे में स्क्रू को टाइट कर लूँगा मैं इस तरह से, ये देखें इसे कंप्लीट कर लिया हूँ। इसके स्क्रू को भी टाइट कर लिया हूँ अच्छी तरह से, ये देख सकते हैं बिल्कुल ही परफेक्ट रूप से। तो इस वीडियो में यहीं तक। तो मैं इसी तरह का बहुत सारा वीडियो लाता हूँ, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मैं कोई भी वीडियो इसका अपलोड करूँ उसका आपको नोटिफिकेशन मिले। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।